काम करें, किसी भी नर्सरी से आप तुलसी का पौधा मंगवा लें, तुलसी के पत्ते, तुलसी के पत्ते थोड़े से लें और उसको पीस लें, पीस के आप किसी भी तेल में मिला दें, जो भी तेल आप इस्तेमाल, सरसों का, नारियल का, ऑलिव ऑयल जो भी है उसमें मिलाएं और बच्ची के बालों में लगा के हल्के हल्के जड़ों में लगाएं और सफ़ेद कपड़ा बांध के सुला दें, ये रात में लगाइएगा। और सुबह आप वो जब कपड़ा खोलेंगी तो आपको ख़ुद यकीन नहीं आएगा, आपको लीखों के अंडे तक नज़र आ जाएंगे। उसके बाद आपने एक काम करना है, कार्बोलिक सोप लेना है। जब तक बच्ची स्कूल जाती है उसकी समझ नहीं है, आप कार्बोलिक सोप लेंगी, लाल वाला जो अक्सर बच्चों का इश्तहार आता है, बच्चे नहा रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, आप वो ले लीजिए और उस लाल वाले साबुन से आप सर धुलाएं। जब खूब झाग आ जाए सर पर तो नल के नीचे सर रख के बारीक कंघी करें, सब साबुन कंघी के ज़रिए निकालें तो लीखों के अंडे तक निकल जाते हैं, ठीक है। जब साबुन बिल्कुल साफ़ हो जाए तो आपने सिर्फ ये करना है, क्वार्टर चाय का चम्मच ऑलिव ऑयल लेना है, जैतून का तेल, उसमें दो कतरे नींबू के डाल दें और गीले बालों में, जड़ों में हल्के हल्के मसाज करके धूप में ले जाएं और सफ़ेद तुआल से आपने बच्ची को साफ़ किया, आपने तुआल देखा तो तुआल में आपको बेतहाशा अंडे नज़र आ जाएंगे, लीखें नज़र आएंगी, जुएं मरी नज़र आएंगी। वो तुआल आप धुलवाएं, उसको दोबारा इस्तेमाल ना करें। दो दफ़ा आप करेंगी, तुलसी के पत्तों की और लाल कार्बोलिक सोप की तासीर ये होती है कि जू नहीं पड़ती।